नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज अनुपात का ये दूसरा पार्ट है। आज हम लोग सीखेंगे कि कठिन अनुपात को सरल अनुपात में कैसे बदलें। ठीक है, कल हमने क्या सीखा था कि कोई अगर अनुपात भिन्न के रूप में है तो उसे सरल कैसे बनाएंगे, कोई अनुपात अगर दशमलव के रूप में है तब उसे कैसे सरल बनाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट कल समझा था, आज थोड़ा सा उससे आगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो के लास्ट में जो भी हम पढ़ाए रहेंगे उससे संबंधित जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो इस टॉपिक से कोई भी प्रश्न आपका कभी नहीं छूटेगा जो चीज आप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, कभी कभी जब दो लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी, अब इन दोनों के बीच में अगर तुलना की जाए तो कहा जाएगा या तो लिख सकते हैं 2:3, 2:3, 1:4, 5:6, कुछ भी। दो लोगों के बीच तुलना बहुत आसान होती है। अगर मान लीजिए इसमें कोई तीसरा व्यक्ति जुड़ जाए सी, और इसी के साथ पैरेलल ये लिख दिया जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ए बी और सी का अनुपात 2:3 और 4 है। लेकिन जब तीन लोगों के बीच अलग अलग तुलना हो तब दिक्कत होती है। जैसे कहा जाए ए अनुपाते बी बराबर 2:3, यानी कि ए और बी का जो अनुपात है वो 2:3 का है। फिर अलग से कहा जाए कि बी और सी का जो अनुपात है वो 4:5 का है। तो ए बी और सी का एक साथ अनुपात क्या होगा, तब थोड़ा सा इसे करना मुश्किल हो जाता है। इसमें और इसमें फर्क है, यहां पर ए बी और सी तीनों एक साथ हैं। तो अगर आप ये कहते हो कि ए का सी से क्या अनुपात है तो कहोगे 2:4, और काट दोगे तो 1:2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कहा जाए बी और सी का क्या अनुपात होगा तो 3:4, या कहा जाए ए और बी का क्या होगा तो 2:3, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर ए का तुलना बी के साथ हुआ है और यहां पर बी की तुलना सी के साथ हुई है, तीनों की एक साथ नहीं हुई है, इसीलिए अक्षर 3 है। देखो, एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी, अक्षर 3 ही है लेकिन अंक 4 है, क्योंकि जो बी है उसकी तुलना अलग से एक बार ए के साथ हुई है और एक बार अलग से सी के साथ हुई है। अब हमें इन तीनों को एक साथ करना है, तो क्या करेंगे, अब इसी को आपको अच्छे से समझना है। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न है, यदि ए बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपाते सी बराबर 6:7 तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा। समझ गए ना, तीनों को एक साथ करना है। तो देखिए क्या करना है आपको, मैं सबसे सरल तरीका बता रहा हूं, आपको करना क्या है, इन तीनों को एक साथ ही पहले लिख देना है। जो यहां पे पूछ रहा है उनको आपको एक साथ लिख देना है, एक साथ लिख देना। अब देखिए, जो अक्षर दो बार आया है आपको उसे बीच में लिखना है। जैसे देखो, बी दो बार आया है, ए एक ही बार आया है और सी भी एक ही बार आया है, लेकिन बी दो बार आया है, तो आपको ध्यान में रखना है जो अक्षर दो बार आए आपको उसे बीच में लिखना है। यहां ए बी सी क्रम से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो, ए और बी का अनुपात 3:4 है, तो ए के सामने आप लिखेंगे 3 और बी के सामने आप लिखेंगे 4। ठीक है, ए अनुपात ए बी 3 और 4। फिर आगे बढ़िए, बी और सी का अनुपात क्या है 6:7, तो एक बार बी का हो गया है, अब इसके नीचे लिखिए 6 और सी के सामने लिखिए 7, तो बी की तुलना दो बार हो गई, एक बार ए के साथ और एक बार सी के साथ। अब क्या करना है, अब आपको एक तीर लगा देना है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं ताकि आपको गुणा करने में दिक्कत ना हो। सामने सामने इसका इसमें तीर लगाइए और इसको इसमें, यानी इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें गुणा होगा, इसका इसमें। अब क्या करना है, 3×6, फिर अनुपात का चिन्ह लगा करके
चार गुणित छ, फिर अनुपात का चिन्ह लगा के चार गुणित सात, ठीक है। जैसे जैसे तीर गई है वैसे वैसे आपको गुणा करना है दो दो अंकों का। ध्यान रखिएगा, जब तीन अक्षर रहेगा तो दो दो अंकों का गुणा होगा, जब चार अक्षर हो जाएगा तो तीन तीन अंकों का गुणा होगा, एक कम ही रहेगा। तीन छंग कितना हो गया 18 अनुपाते, चार छंग 24 अनुपाते, चार सते 28। अब जो आप कल पढ़े थे वहीं पे आप पहुंच गए, ए बी सी का अनुपात 18, 24 और 28 है। क्या ये तीनों संख्याएं किसी और संख्या से विभाजित होंगी? अगर होंगी तो विभाजित होने के बाद जो आएगा उसे लिखेंगे और वही अनुपात हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि इन तीनों को अगर हम दो से विभाजित करें तो विभाजित हो जाएंगी। दो नवा 18, दो बारहम 24 और दो चौदहम 28। 9, 12 और 14। अब ये तीनों संख्याएं ऐसी हैं जो किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होंगी एक साथ। उदाहरण के लिए 9 और 12 तो 3 से विभाजित हो जाएगा लेकिन 14 नहीं होगा, 14 और 12 2 से विभाजित हो जाएगा लेकिन 9 नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जो हमारा प्रश्न था कि ए बी और सी का एक साथ अनुपात क्या होगा, तो वो आंसर आएगा 9:12:14। सवाल लग गई? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए एक दो उदाहरण और देख लेते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने लिखा है दूसरा, यदि ए अनुपाते बी बराबर 1:2 तथा ए अनुपाते सी बराबर 2:3 तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा? ये प्रश्न आमतौर पर परीक्षा में लोग इतना सरल समझ के करते हैं कि कभी कभी गलत हो जाता है। तो जो प्रश्न आपको बहुत ज़्यादा सरल लगे, समझ जाइए उस प्रश्न में खतरा ज़्यादा है, आपको वहाँ पर अलर्ट होना पड़ेगा। यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ए दो बार आया है, बी दो बार नहीं आया है, आमतौर पर बी ही दो बार आता है। ए बी बराबर इतना, बी सी बराबर इतना, तो बच्चे याद रखे रहते हैं कि बी को बीच में लिखना है। लेकिन आपको ध्यान से समझना है कि कौन दो बार आ रहा है, ए दो बार आ रहा है। देखो ए एक बार बी के साथ आया है और एक बार सी के साथ, तो आपको अब की बार ए को बीच में लिखना है, ठीक है। अब आप चाहें तो यहां बी लिख दें और चाहें तो यहां सी लिख दें, या सी यहां लिख दें बी यहां, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना है कि आपको जो दो बार आया है उसी को बीच में लिखना है, ताकि वो एक बार इसके भी साथ हो जाए और एक बार उसके भी साथ, इसीलिए बीच में लिखते हैं। अब जैसे जैसे लिखा है वैसे वैसे लिख दो। ए और बी का अनुपात 1:2 है, तो ए पहले है, एक पहले है, यानी ए के सामने क्या लिखा जाएगा 1 और बी के सामने क्या लिखा जाएगा 2। यहां भी मिस्टेक मत करिएगा, ए बी बराबर 1:2 लिखा है तो 1 और 2 ऐसे नहीं लिखना है, ये 1 ये है और बी ये है, तो जो जिसके सामने है वो उसके सामने लिखा जाएगा, इधर उधर से मतलब नहीं है। अब आगे आइए, ए और सी का अनुपात 2:3 है, तो यहां पर ए के सामने 2 रहेगा और सी के सामने 3 रहेगा, ठीक। अब तीर लगा दीजिए, तीर में कोई बदलाव नहीं होगा, तीर हमेशा ऐसे ही लगेगी, सामने तिरछी। गुणा करिए 2 का 2 में, फिर अनुपात का चिन्ह लगेगा, 1 का 2 में फिर अनुपात का चिन्ह लगेगा, फिर 1 का 3 में गुणा होगा, ठीक है। 2 दूना 4, 2 एकम 2, 3 एकम 3। तो जो आपका आंसर आया वो क्या आया, ए बी और सी पूछा है, तो 4, 2, 3 अगर कर देते हैं तब भी गलत हो जाएगा। उत्तर आपका क्या आएगा, मतलब आपको हर समय अलर्ट रहना है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। सवाल में है ए और बी और सी का अनुपात क्या होगा। ए कौन है, बीच वाला है, तो 2 को पहले लिखना है क्योंकि ए पहले है। बी कौन है, पहला वाला है, तो यानी पहले वाले को
बी के स्थान पे यानी कि दूसरे नंबर पे लिखना है और सी तीसरे नंबर पर है ही। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी सी बराबर 2, 4 और 3। कभी कभी ना जब आप विकल्प देखते हैं तो विकल्प में पहले ही आपको विकल्प में अगर इस तरह मिल गया तो आपको लगता है कि हमारा तो उत्तर आ गया है, यही सही है, और टिक करके आगे बढ़ जाते हैं और घर में आकर चेक करते हैं कि अरे नहीं ये तो उल्टा हो गया, ये सही होना चाहिए। तो आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जैसे 3 अक्षर है तो 4 अक्षर भी हो जाता है, 4 अक्षर अगर हो गया तब भी ऐसे ही लगेगा। तो एक सवाल उसे भी देख लेते हैं। ये प्रश्न है, यदि ए बी बराबर 2, 3 फिर बी सी बराबर 2, 5 और सी डी बराबर 1, 2 तो ए बी सी डी बराबर क्या होगा। इस बार 4 अक्षर हैं तो चारों को लिख दीजिए क्रम से, ए बी सी और डी। देखिए यहां पे क्रम से ही लिखे गए हैं ना, ए बी बी सी सी डी, तो आपको भी ऐसे ही लिखना है। अब ए और बी बराबर क्या है, 2:3, तो 2:3 आपने लिख दिया। आप चाहे तो यहां पे अभी अनुपात मत लगाइए। अब देखिए बी सी कितना है, 2:5, तो बी के सामने 2 और सी के सामने 5 लेकिन 2 के बगल में, क्योंकि 2 और 5 का अनुपात है ना, तो 2 और 5। फिर क्या है, सी डी बराबर 1, 2 तो सी के सामने 1 और डी के सामने 2 लेकिन ए के ठीक बगल में, इस तरह से लिखेंगे। अब तीर कैसे लगाएंगे, देखिए इसका इससे कनेक्शन हुआ, इसका इससे, फिर इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे, इसको इससे मिलाएंगे और इसको इससे मिलाएंगे। इसका गुणा इससे होगा और इससे होगा, इसका गुणा इससे होगा फिर इससे होगा, इसका इससे होगा फिर इससे होगा, फिर इसका इससे होगा, इससे होगा, बगल वाले का गुणा बगल वाले में नहीं होगा, तो तिरछी ही तीर जाएगी, ध्यान रखिएगा। और अगर ऊपर नीचे है तो ऊपर नीचे भी तीर लगेगी। तो गुणा किसका होगा, 2, 2, 1, फिर अनुपात का चिन्ह, फिर क्या लिखेंगे, 3, 2, 1। अनुपात है, फिर क्या लिखेंगे, 3, 5, 1, फिर क्या लिखेंगे, 3, 5, 2। तो यहां तीर का बहुत अधिक कमाल है, सारी प्रक्रिया तीर से ही रिलेटेड है। तीर गलत लगा देंगे गलत हो जाएगा, तिरछी तीर लगी है किनारे वालों में और बीच वालों में बिल्कुल ऊपर ऊपर, जैसे जैसे तीर गई है वैसे वैसे अंकों को लिखना है। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि जब 4 अक्षर रहेंगे तो 3-3 अंकों का गुणा होगा और जब 3 ही अक्षर रहेंगे तो 2-2 अंकों का। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि पता चला कहीं पे 4 अंक हो गया तो समझ जाओ गलत है। 4 अंक का गुणा तभी होगा जब 5 अक्षर रहेंगे, यानी कि डी के बाद ई भी आएगा तब। तो 2 × 4 = 51, 3 × 6 = 6, 3 × 5 = 15, मतलब 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 2 = 30। क्या ये चारों संख्याएं किसी एक संख्या से विभाजित हो जाएंगी, तो जी नहीं होंगी। 4, 6 और 30 दो से हो जाएंगी विभाजित लेकिन 15 नहीं होगा, 6, 15, 30 तीन से हो जाएगा लेकिन 4 नहीं होगा। तो कुल मिला के जो प्रश्न था कि ए बी सी डी का अनुपात क्या होगा, वो होगा 4, 6, 15 और 30। तो उम्मीद करता हूं कि जब इस तरह से प्रश्न आपको कभी भी मिलेगा अब आप कर लेंगे, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ अलग तरीके के प्रश्न देखते हैं जो पूछे जाते हैं अनुपात बनाने के लिए। ये प्रश्न है, यदि ए बटे 2 बराबर बी बटे 3 बराबर सी बटे 4 तो ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा, या फिर ए अनुपाते सी बराबर क्या होगा, या बी अनुपाते, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो इसे कैसे करेंगे, तो देखिए इसमें दो तरह के प्रश्न आते हैं, एक तो भिन्न के रूप में लिखा रहेगा बराबर करके और एक डायरेक्ट ऐसे लिखा रहेगा। इस तरह से लिखा रहेगा, तो अभी हम भिन्न वाला देख लेते हैं फिर उसके बाद
जब इस तरह से गुणा के रूप में लिखा रहेगा उसे भी देखेंगे। बस यही दो प्रकार से ही आते हैं। इसमें करना क्या है, इतना बराबर इतना है, इतना बराबर इतना, यानी सभी एक दूसरे के बराबर हैं। तो ए का मतलब क्या हुआ, बी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब क्या हुआ, अनुपात के रूप में यही आपको बता करके लिखना है। देखिए क्या करेंगे इसको हम, ए बटे दो बराबर, यहां पे जो बी बटे तीन और सी बटे चार है, अब उसको आप छोड़ दीजिए और आप ऐसे इसको मान लीजिए कि माना ए बटे दो बराबर एक, या फिर ए बटे दो बराबर यक्स, या फिर एक बटे दो बराबर वाई या यम, आप अपनी मर्जी से चाहे जो मान लीजिए। हमने यहां एक लिखा है तो जरूरी नहीं है कि आप एक ही लिखिए, आप यहां दो भी लिख सकते हैं, तीन लिख सकते हैं, चार लिख सकते हैं, सौ लिख सकते हैं, यक्स लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, क लिख सकते हैं, ख, जो आपकी मर्जी वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस ये मन में मत रखिएगा प्रश्न कि यहां एक ही हमने क्यों लिखा, एक चूंकि सबसे छोटी संख्या है, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसलिए हम एक लिख दिए। तो ए बटे दो बराबर एक, इसलिए ए बराबर क्या होगा, जानते हैं कि नीचे हर का सामने वाले में गुणा होता है, तो दो एकन्नम क्या हो जाएगा, दो। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया ए बराबर दो। अब देखो ठीक इसी तरह से b बटे तीन बराबर एक, चूंकि सभी बराबर हैं तो अगर इतना बराबर एक है तो इतना भी बराबर तो एक ही होगा, तो यही आपको करना है। ऐसा नहीं कि आपने यहां a बटे दो बराबर एक लिख दिया और यहां b बटे तीन बराबर दो लिख दिया, ऐसा नहीं करना है। जो यहां लिखना है वही तीनों में लिखना है तब सही आएगा, अलग अलग नहीं। तो b बटे तीन बराबर एक, तो b बराबर क्या हो गया, तीन एकन्नम तीन। ठीक इसी तरह से c बटे चार बराबर एक, तो c बराबर क्या हो गया, चार एकन्नम चार। तो कहने का मतलब कि जो भिन्न के रूप में यानी हर के रूप में नीचे है वही ही डायरेक्ट मान आ रहा है a, b और c का। देखो a बराबर दो, नीचे दो है, b बराबर तीन, नीचे तीन है, c बराबर चार, नीचे चार है। तो इसका मतलब जब भी परीक्षा में आएगा तो आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा वही नीचे वाला ही लिख सकते हैं। अब पूछ रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर क्या होगा, तो ए का मान आया है दो, बी का मान आया है तीन और सी का मान आया है चार। अगर ये कटेगा एक संख्या से तो काट देंगे, वरना यही उत्तर है, बहुत सरल है। अब एक सवाल और देखते हैं जिसमें हमें ये नहीं लिखना है, यदि a बटे चार बराबर b बटे छ बराबर c बटे आठ, तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा, ये प्रश्न है। बटे में मैंने बताया कि वही डायरेक्ट मान हो जाता है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, चार, b बराबर क्या हो जाएगा, छ, c बराबर क्या हो जाएगा, आठ। अब a b c कह रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ए का मान चार, बी का मान छ और सी का मान आठ, ये तीनों संख्याएं दो से कट जाएंगी, तो काट दीजिए, दो दूना चार, दो तियाई छ, दो चौक आठ, यही आपका उत्तर हो गया। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि जब भी भिन्न के रूप में लिखा रहेगा वही ही डायरेक्ट उसका मान हो जाएगा, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बहुत सरल है। अब ऐसा हो सकता है कि भिन्न के रूप में न लिखा हो, तब क्या होगा, तो उसे भी देख लीजिए। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, 2a बराबर 3b बराबर 4x, तो 4c, तो a अनुपाते b अनुपाते c बराबर क्या होगा। देखो यहां पर हमने a b c लिखा है, x y z भी हो सकता है, क ख ग भी हो सकता है, कुछ भी। अब इसको भी हम एक बार आपको समझा देते हैं विस्तार से। माना 2a बराबर 1, क्योंकि सब एक दूसरे के बराबर हैं, तो यहां भी हम इतना बराबर एक मान लेते हैं, इतना बराबर एक, इतना बराबर एक, ठीक है। तो a बराबर क्या होगा, अब जब गुणा के रूप में यहां है तो आगे भाग के रूप में हो जाएगा। जैसे अभी हमने देखा
जब a बटे दो बराबर एक किए तो a बराबर दो एकन्नम दो हो गया, यानी जब यहां भाग के रूप में था तो इसका गुणा हो गया, और जब यहां गुणा के रूप में है तो इससे भाग हो गया। यही तो समीकरण का नियम होता है। तो जब यहां बगल में लिखा रहेगा आपको नीचे लिखना है, जब यहां नीचे लिखा रहेगा आपको बगल में लिखना है, ये इस तरह से। अब ठीक इसी तरह से अगला वाला भी, तीन बी बराबर एक, तो b बराबर क्या होगा एक बटे तीन। ठीक इसी तरह से 4c बराबर एक, तो c बराबर क्या होगा एक बटे चार। तो मतलब क्या हुआ, a बराबर एक बटे दो, b बराबर एक बटे तीन, c बराबर एक बटे चार। तीनों का अनुपात के रूप में लिखना है। तो a का मान आया है एक बटे दो, b का मान आया है एक बटे तीन, c का मान आया है एक बटे चार। तो ये आपका उत्तर हो गया, a अनुपाते b अनुपाते c बराबर एक बटे दो, एक बटे तीन, एक बटे चार, ये उत्तर है। लेकिन जो आपके विकल्प रहेंगे उन विकल्पों में हो सकता है कि इस तरह से उत्तर न रहे। अगर इस तरह से मिल गया तो सही है, लेकिन अगर नहीं मिला तब तब आप अगर आप कल का वीडियो अच्छे से देखे रहे होंगे तब आपका दिमाग तुरंत काम कर गया होगा और आप इसके आगे अब कर लेंगे। मैंने बताया था ना कि जब अनुपात भिन्न के रूप में लिखा हो तो हम उसे सरल कैसे बनाते हैं। बस आपको वही कर देना है, सरल बना देना है। सरल बनाने के लिए आपको जो हर के रूप में लिखे हैं उनका लघुत्तम निकाल करके तीनों हर बराबर कर दीजिए। तो चार तीन और दो का लघुत्तम बारह, दो छंग बारह, एक छक्का छह, तीन चौक बारह, एक चौके चार, चार तियाई बारह, एक तियाई तीन। अब इन बारह से कोई मतलब नहीं है, जो छह चार तीन आ रहा है वही आपका उत्तर हो गया। ए बी सी बराबर छह अनुपाते चार अनुपाते तीन, छह चार तीन। अगर ये विभाजित होगा किसी संख्या से तो विभाजित कर देंगे, वरना यही उत्तर है तो विभाजित नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये भी समझ गए होंगे और इसके पहले वाला भी। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं जो परीक्षाओं में आए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न हैं। आप उनको हल करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न आता है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, आपको दिखाई दे रहा होगा। यदि ए बटे दो बराबर बी बटे तीन बराबर सी बटे पाँच हो तो 4a प्लस 3b माइनस सी बटे बी का मान क्या होगा, और चार विकल्प हैं 5, 3, 4, 8 बटे 3। और ये देखिए SSC TA 30 जनवरी 2011 में ये प्रश्न आया था। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। कैसे हल करेंगे, लिखा है a बटे 2 बराबर b बटे 3 बराबर c बटे 5। बस पहले इसको हल कर लिया जाए तब आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैं बताया कि जब नीचे भिन्न के रूप में लिखा होता है तो डायरेक्ट वही मान ही हो जाता है। a बराबर क्या हो जाएगा 2, b बराबर क्या हो जाएगा 3, c बराबर क्या हो जाएगा 5। कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब पूछ रहा है 4a प्लस 3b माइनस सी बटे बी का मान क्या होगा। तो जो जो a और b और c का आया है वही वही a b c के स्थान पर लिख करके हल कर दो। तो क्या लिखोगे, 4 गुणित 4a लिखा है ना, यानी कि 4 गुणित a लिखा है। मैं आपको बता चुका हूं कि जब अक्षर और अंक एक साथ मिले होते हैं तो उनके बीच गुणा का चिन्ह लगा होता है, छिपा रहता है। तो 4 गुणित a, a का मान आया है 2। फिर क्या है, प्लस 3 गुणित b, b का मान आया है 3। फिर माइनस का चिन्ह लगा है और डायरेक्ट c लिखा है, c का मान है 5। बटे नीचे है b, b का मान क्या आया है 3। तो जहां जहां b है वहां वहां 3, जहां जहां c है वहां वहां 5, जहां जहां a है वहां वहां 2। बस आपको इसको हल कर देना है। 4 दूना 8 धन 3 त्रिका 9
माइनस पाँच बटा तीन, तो आठ नौ सत्रह, सत्रह में पाँच गया बारह, बारह बटे तीन, बारह में तीन का भाग करेंगे चार, तो सी विकल्प सही है, विकल्प सी में चार आया है, यही सही है। तो देखा आपने कितना सरल था। चलिए एक सवाल और लगाते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके सामने, यदि a बटे तीन बराबर b बटे दो हो तो 2a प्लस 3b बटे 3a माइनस 2b का मान क्या होगा। फिर आपके सामने चार विकल्प हैं, ये भी SSC की परीक्षा में सवाल आई हुई है, तो चलिए इसको लगाते हैं। ये भी बटे के रूप में लिखा है, a बटे तीन बराबर b बटे दो, तो पहले इसी को हल कर लिया जाए। a बराबर क्या होगा तीन, b बराबर क्या होगा दो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बटे में है। अब आगे क्या करना है, 2a प्लस 3b, नीचे क्या लिखा है 3a माइनस 2b, बस इसी को आपको हल करना है। तो दो गुणित a का मान क्या आया है तीन, धन तीन गुणित b का मान क्या आया है दो, फिर नीचे क्या लिखा है तीन गुणित a का मान क्या आया है तीन माइनस यहां पे क्या है दो, दो गुणित b का मान क्या आया है दो, तीन दूना छ, तीन दूना छ, फिर यहां नीचे तीन त्रिका नौ, दो दूना चार, छह छह हो गया बारह, नौ में चार गया पांच, तो बारह बटे पांच। किसी में उत्तर है बारह बटे पांच, तो पहला ही विकल्प सही है बारह बटे पांच। तो आपने देखा कि जब भिन्न के रूप में लिखा हो और फिर उसे अंकों में मतलब पुट करके उसको सरलीकरण के रूप में सरल किया जाए तो डायरेक्ट उत्तर आ जाएगा। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। प्रश्न आपके सामने है, यदि x बटे पाँच बराबर y बटे सात तो ब्रैकेट के अंदर x माइनस टेन अनुपाते y माइनस फोर्टीन बराबर क्या होगा। इसमें चार ठो अनुपात के रूप में लिखे गए हैं। तो x बटे पाँच बराबर y बटे सात, तो आप समझ ही गए होंगे x का मान होगा पाँच और y का मान क्या होगा सात। हमें हल क्या करना है, हमें हल करना है x माइनस टेन अनुपाते y माइनस फोर्टीन। x का मान आया है पाँच, तो पाँच माइनस दस हो गया अनुपाते, y का मान आया है सात, तो सात माइनस चौदह हो गया, पांच में दस जाएगा माइनस पांच हो जाएगा क्योंकि ये वाला अंक छोटा है ये वाला अंक बड़ा है, तो दस में पांच गया पांच और चिन्ह बड़े वाले का। फिर अनुपात का चिन्ह लगा करके चौदह में सात गया सात लेकिन माइनस सात का। आप जानते हैं जब दोनों तरफ माइनस होता है तो वो संख्याएं दोनों धनात्मक हो जाती हैं यानी कट जाता है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा पांच अनुपाते सात, और यही आपका उत्तर है और ये पहले ही विकल्प में है पांच अनुपाते सात। तो आज आप लोगों ने अनुपात का बेसिक कॉन्सेप्ट समझा और जो प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में बेसिक से आपने उसे लगाया। अब कल के वीडियो से हम कुछ एडवांस लेवल के शुरू करेंगे और SSC की परीक्षा में रेलवे की परीक्षा में जिस तरह के प्रश्न आते हैं उन्हें भी हल करवाएंगे वीडियो के आखिर में सवाल को समझाने के बाद। अब आपके लिए ये प्रश्न है, दो प्रश्न है स्क्रीन पर, आप इन्हें हल करिए। कल के चूंकि प्रश्न बहुत सरल थे इसीलिए हम आज नाम नहीं ले पाएंगे क्योंकि बहुत लोगों ने सही जवाब दिया था। आज से जो पढ़ा रहे हैं ये परीक्षाओं में सवाल आई हुई हैं, इन्हें अगर आप लगाएंगे तब आप मानिए कि अच्छी तैयारी कर रहे हैं और मैं आपका अगले वीडियो में जरूर नाम लूंगा अगर आप इन दोनों प्रश्नों को सही सही लगाएंगे तब। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।